समय कभी एक सा नहीं रहता। आज जो चीज नंबर वन पे है वो कल किस नंबर पे रहेगी या नंबर की लिस्ट से ही बाहर हो जाएगी, यह भी किसी को नहीं पता। इसलिए लिस्ट में बने रहने के लिए समय के साथ चलना और खुद को अपडेट करते रहना बेहद जरूरी है। हालांकि कभी दुनिया को सही समय बताने वाली सबसे मशहूर घड़ी कंपनी खुद समय के इस खेल को नहीं समझ सकी और एक दिन ऐसा भी आया कि कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। बहुत बहुत तंगी हालत में हमारी मतलब जिंदगी कट रही है। तो इस जंगल में बताइए हम कैसे रह रहे हैं, आप लोग खुद देखिए। शेर बाघ आते रहते हैं दिन में भी रात में भी। HMT को घाटे में लाने का कारण यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लॉबी का हावी हो जाना है, क्योंकि साउथ लॉबी नहीं चाहती थी कि यहाँ पे HMT रहे। हमारा जो है हम आए लेट तो होने लगी और हमें बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करना पड़ा। 2016 नवंबर 29 को कंपनी ने रात के 2 बजे 146 कर्मचारियों को उनकी सेवाएं समाप्त कर। यह कहानी है कभी हर हाथ में नजर आने वाली घड़ी HMT की, जो कभी करोड़ों भारतीयों के साथ साथ फॉरेनर्स की भी उतनी ही पसंदीदा घड़ी हुआ करती थी। एक समय हुआ करता था जब लोग HMT की घड़ियां पहनना स्टेटस का सिंबल माना करते थे। बावजूद इसके यह कंपनी क्यों नहीं टिक सकी और क्यों इसे बंद करना पड़ा? कभी भारत की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी HMT को लेकर ऐसे सवाल उठने लाजमी है, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि HMT घड़ी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इसलिए बने रहे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। It still works. HMT watches. If you have the inclination, we have the time. मुस्कुराती घड़ी, खूबसूरत घड़ी, इरादों की घड़ी, HMT राष्ट्र के समय प्रहरी HMT। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास श्रृंखला बिज टॉक्स। HMT की सबसे खास बात यह थी कि यह किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं थी, बल्कि इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया था और इसका पूरा नाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। शुरुआत में कंपनी टूल्स बनाने का ही काम करती थी, लेकिन कुछ ही सालों में इस कंपनी ने घड़ियां, ट्रैक्टर, प्रिंटिंग मशीनरी, बोरिंग बनाना भी शुरू किया। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किए जाने के कुछ सालों बाद साल 1961 में HMT वॉच का प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ था, जो कि जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ मिलकर किया गया था। कंपनी ने अपनी पहली घड़ी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए बनाई थी। इसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। 70 और 80 के दशक तक HMT घड़ियों का कारोबार बुलंदियों पर पहुंच चुका था, जो 90 के दशक की शुरुआत तक कायम रहा था। इसकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि हर तबके के लोग इसे अपनी कलाई पर बांधना अपनी शान समझते थे। सबसे बड़ी खासियत की आज भी बहुत से लोगों ने इसे संभाल कर रखा हुआ है, जो अपनी मजबूती और क्वालिटी की वजह से भी चल रही है। HMT की पहली वॉच फैक्ट्री बेंगलुरु में 112 करोड़ के एरिया में स्थापित की गई थी, जिसकी नींव हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और जापानी सिटीजन वॉच कंपनी के बीच समझौते के बाद रखी गई थी। इस बड़ी फैक्ट्री की क्षमता इतनी थी कि इसमें सालाना 3.6 लाख HMT घड़ी बनाई जा सकती थी। इस फैक्ट्री के बाद उत्तराखंड के रानीबाग में एक और बड़ी HMT फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कभी HMT की रिस्ट वॉच तो कामयाबी के शिखर पे थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सूट की जेब में घड़ी रखना भी एक फैशन होता था, जिसे गांधी घड़ी या पॉकेट वॉच भी कहा जाता था। इस घड़ी को लोग बड़ी ही शांत के साथ अपने सूट की जेब में रखकर उसकी चेन को बाहर लटका कर रखते थे। खास बात की HMT एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो गांधी घड़ी बनाती थी। गांधी घड़ी की बात करें तो इसका मैकेनिकल वर्जन 1450 रुपए और क्वार्टर्स वर्जन 900 रुपए तक में भी बेचा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौर में HMT के रानीबाग फैक्ट्री में सालाना 500 गांधी घड़ी बनती थी, जिनमें से 2 मैकेनिकल और 300 क्वार्टर्स घड़ियां हुआ करती थी। हालांकि गांधी घड़ी का क्रेज नौजवानों में कम और पुराने लोगों में ज्यादा था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कभी HMT कंपनी ने सोने की बिस्किट लगी घड़ी भी बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की रानीबाग इकाई में अन्य घड़ियों के अलावा साल 1995 से 2000 तक G10 के नाम से सोने का बिस्किट लगी घड़ी बनाई गई थी, जिसकी कीमत 11,000 रुपए के लगभग थी। इस घड़ी में उसकी सुई के नीचे छोटा सा सोने का बिस्किट लगा होता था। एक अलग ही स्टेटस सिंबल बनाने वाली HMT की ये घड़ियां हाथों हाथ बिक गई थी।
एचएमटी की पहली घड़ी जनता ब्रांड के नाम से बनी थी, जो इतनी फेमस हुई थी कि पूरे 2 दशक तक अकेले ही मार्केट पर राज करती रही थी। बाद में कंपनी ने मॉडल्स में कई बदलाव किए और मार्केट में अपना रुतबा बनाकर रखा। एचएमटी घड़ियों की डिमांड कितनी थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कंपनी ने अपने शुरुआती 15 साल के कारोबार के दौरान ही 11 करोड़ से ज्यादा घड़ियां बेच ली थी। दरअसल कंपनी की कामयाबी की एक खास वजह यह भी थी, इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए घड़ियां उपलब्ध थी। एचएमटी के शोरूम पर 300 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की कीमत में मॉडल्स मौजूद थे, जिसमें रिस्ट वॉच से लेकर पॉकेट वॉच तक शामिल थे। एचएमटी वॉच ग्रुप ने 70 के दशक से लेकर अपने गोल्डन पीरियड तक कोहिनूर, पायलट, जनता और सोना के नाम से घड़ियां बनाई, जिनके आगे दूसरी घड़ियों का टिकना नामुमकिन ही हुआ करता था, क्योंकि इन घड़ियों की सबसे अधिक मांग हुआ करती थी। इन क्वार्टर्स घड़ियों की कीमत की बात करें तो लगभग 1100 रुपए से 1500 रुपए तक के बीच तक हुआ करती थी। इन घड़ियों की डिमांड इतनी थी कि तब आर्मी कैंटीन में भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में लगभग 6 लाख घड़ियों का ऑर्डर सालाना एचएमटी वॉच ग्रुप को मिलता था और आर्मी कैंटीन की घड़ियों की सप्लाई करने में लगभग 1 माह का समय लग जाता था। एचएमटी घड़ी की खामियाबी में इसकी विज्ञापन और इसकी टैगलाइन की भी खासी भूमिका थी, जो बहुत फेमस हुआ करती थी। उस दौर में एचएमटी को देश की धड़कन कहकर पुकारा जाता था। साल 1961 से शुरू हुआ एचएमटी की कामयाबी का यह सफर 90 के दशक की शुरुआत तक तो कायम रहा, लेकिन उस दौर में घड़ी मार्केट में एक और घड़ी कंपनी ने एंट्री ली, जिसने एचएमटी को बराबर की टक्कर देना शुरू कर दी, और वो कंपनी थी टाटा ग्रुप की टाइटन। इसके साथ ही कई और प्राइवेट कंपनियों ने घड़ी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी और लुक के साथ एंट्री ले ली, जिसका सीधा असर एचएमटी की मार्केट पर पड़ना शुरू हो गया था। और नई डिजाइन की घड़ियां मार्केट में आने से यंग जनरेशन के बीच एचएमटी की घड़ियों को पुराने जमाने की तकनीकी कहकर पुकारा जाने लगा। दरअसल साल 1993 में टाइटन को लाइसेंस मिलने के बाद से ही एचएमटी की स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी। टाइटन ने बदलते वक्त को पहचान यंगर्स के हिसाब से ढेरों क्वार्टर्स घड़ियों की श्रृंखला मार्केट में उतार दी थी, जबकि एचएमटी कंपनी अपने को अपडेट करने में उदासीन ही नजर आई। देखा जाए तो साल 1995 से एचएमटी का डाउनफॉल शुरू हो गया था और उसकी बिक्री कम और घाटा बढ़ने लगा था। लगातार बढ़ते घाटे के चलते देश में चल रही एचएमटी की तमाम फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन घटता चला गया। एचएमटी घड़ी का क्रेज कम होने से मांग लगातार घटती चली गई और देखते ही देखते बेंगलुरु से लेकर रानीबाग तक की फैक्ट्रियों पर ताला लग गया। 70 के दशक में जब देश की आबादी 50 करोड़ से भी ज्यादा थी, तब तक एचएमटी 1 करोड़ घड़ियों का उत्पादन कर चुकी थी। यहां तक कि साल 2012-13 में इन घड़ियों का सालाना कारोबार 242 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। बावजूद इसके बड़े कर्जों और लगातार घट रहे मुनाफे के कारण प्रोडक्शन बंद कर देने का फैसला लिया गया और एचएमटी घड़ी कंपनी को पूरी तरह ही बंद कर दिया गया। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के रानीबाग में साल 1983 में एचएमटी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, जिसे साल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकृति दी थी। उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया था, जिसका उद्घाटन साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। साल 1985 में प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद से रानीबाग फैक्ट्री में 1,246 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी के रानीबाग यूनिट में ही सालाना 16 से 18 लाख घड़ियां बनती थी। साल 2000 के बाद कंपनी के बुरे दिन शुरू होने के साथ मैनेजमेंट ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो कंपनी को संभालने में फेल साबित हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे कंपनी के कर्मचारी वीआरएस लेने लग गए, या कहें उन्हें जानबूझकर भी वीआरएस पर भेजा जाने लगा। घाटे को देखते हुए साल 2016 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने कंपनी को बंद कर देने का ऐलान कर दिया। हालांकि कंपनी बंद करने की घोषणा के बाद कुछ कर्मचारियों ने ही वीआरएस ले लिया था, जबकि 146 कर्मचारियों ने वीआरएस नहीं लिया, जो काफी समय से अपनी हक की लड़ाई के लिए परिसर के बाहर आंदोलन करते रहे। यहां तक कि आंदोलन करते करते कुछ कर्मचारियों की मौत भी हो गई थी। कभी लोगों की भीड़ से गुलजार रही कंपनी की कॉलोनियां आज खंडहर हो चुकी हैं, जिसमें कुछ ही गिने चुने परिवार रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 रानीबाग की फैक्ट्री को एक पुराना ऑर्डर पूरा करने के लिए 2016 में फिर से खोला गया था। ये ऑर्डर लगभग 5500 घड़ियों का था, जो करीब 1.5 करोड़ की कीमत का था। इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद इस यूनिट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि तब तक कंपनी पर कर्ज बढ़कर 2500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। तो दोस्तों, यह थी कहानी एचएमटी घड़ी की, जो आज भी किसी न किसी कलाई पर बधी हुई देखने को मिल जाती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।